दोस्तों आईपीएल 2021 फेज टू 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में जो कि यूएई में रहने वाली है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने स्क्वाड में पांच बड़े बदलाव किए। तो ये राजस्थान रॉयल की टीम में भी चार बहुत ही बड़े बदलाव जिनमें एमिल लेविस, ग्लेन फिलिप जैसे खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। तो वहीं पंजाब किंग भी तीन बड़े बदलाव किए अपने स्क्वाड में। तो कैसी रहेगी सभी टीमों की प्लेइंग 11 यूएई में, तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आइए चलो देखते हैं सभी टीमों की प्लेइंग 11 जो यूएई में रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम की। तो चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 फैब डुप्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, सैम करन, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और इमरान ताहिर रहने वाले। वहीं अगर स्पिन की जो पिच पे जरूरत नहीं रहेगी तो उनकी जगह लुंगी नगड़ी आ जाएंगे। वहीं शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर का अगर अच्छा परफॉर्म नहीं रहता है तो उनकी जगह कृष्णप्पा गौतम को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ अगर बाहर होते तो उनकी जगह रोबिन उथप्पा ओपनिंग करने वाले हैं। वहीं बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। आरसीबी में काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए, तो काफी बड़े बदलाव के साथ ये टीम मैदान में उतरने वाली हूं। वहीं देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, शहबाज अहमद, वेनेंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, के जेमिनसन, मोहम्मद सिराज, युजेंद्र चहल और नवदीप सैनी रहने वाले। वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन और रजत पाटीदार में तो कोई एक खिलाड़ी खेलेगा। वहीं शहबाज अहमद खेलने वाले हैं क्योंकि वाशिंगटन सुंदर अनअवेलेबल है। वहीं अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ जो कि पैट कमिंस बाहर हो चुके हैं। केकेआर की प्लेइंग 11 शुभमन गिल, नीतीश राणा ओपन करते हुए दिखाई देंगे। वही राहुल त्रिपाठी, इवन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, एंड्रसेल, सुनील नारायण, लॉकी फर्गेसन, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा रहने वाले। वहीं अगर सुनील नारायण का खराब परफॉर्म रहता है तो साकिब लतन को प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी। वहीं अगर वरुण चक्रवर्ती का खराब परफॉर्म रहता है तो कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। राजस्थान रॉयल्स की टीम में काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं जो कि बेन स्टॉक, जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। तो वही प्लेइंग 11 की बात करें तो लियम लिविंगस्टन, एसएसवी जायसवाल ओपन करते हुए दिखाई देंगे। संजू सैमसन, डेविड मलर, शिवम दुबे, रियान पराग, राहुल तेवटिया, क्रिस मॉरिस, तबरेज शमसी, कार्तिक त्यागी और चेतन सकरिया रहने वाले। वहीं अगर डेविड मलर का खराब परफॉर्म रहता है तो इवन लेविस या ग्लेन फिलिप में से किसी एक खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी, लेकिन एसएसवी जायसवाल और लियम लिविंगस्टन ओपन करते हुए आईपीएल 2021 फेज टू में दिखाई देने वाले। पंजाब किंग की प्लेइंग 11 की बात करें तो के राहुल, मयंक अग्रवाल ओपन करने वाले हैं, क्रिस गेल, निकोलस पुरन, दीपक हुडा, शाहरुख खान, क्रिस जॉर्डन, नतन इल्स, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह रहने वाले हैं। वहीं अगर निकोलस पुरन का खराब परफॉर्म रहता है तो इनकी जगह एडन मैक्रम को प्लेइंग 11 में जगह मिले। एडन मैक्रम जो है वो डेविड मलन की जगह स्क्वाड में शामिल है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं मनदीप सिंह सरफराज खान भी काफी बेहतरीन प्लेयर है, वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करें तो जॉनी बेरिस्टो बाहर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये टीम में काफी बड़े बदलाव हो चुके हैं। डेविड वार्नर, मनीष पांडे ओपन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। केन विलियमसन, प्रियम गार्ग, अब्दुल समद, विजय शंकर, जेसन होल्डर, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा और टी नटराजन रहने वाले। वहीं अगर जेसन होल्डर का खराब परफॉर्म रहता है तो इनकी जगह मोहम्मद नबी या फिर मिचेल मार्श को प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11। तो दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 के शिखर धवन, पृथ्वी शाह, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, स्टीव स्मिथ, मार्क स्टोनिस, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, एनरिच नॉर्किया, कगिशोर अबाड़ा और अवेश खान रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं अगर स्टीव स्मिथ को खराब परफॉर्म रहता है तो उनकी जगह शिमरन हेडमेयर को प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी। वहीं अजिंक्य रहाणे को कोई भी जगह प्लेइंग 11 में नहीं मिल सकती क्योंकि श्रेयस अय्यर की वापसी हो चुकी है आईपीएल 2021 फेज 2 में। वहीं बात कर लेते हैं आखिरी टीम मुंबई इंडियंस की। तो रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, केरॉन पोलार्ड, कुरनाल पांड्या, नतन कल्डनीले,
राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह रहने वाली टीम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसी प्लेइंग 11 के साथ टीम मैदान पर उतरने वाली और ये टीम काफी बेहतरीन प्रदर्शन भी की आईपीएल 2021 फेस वन में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इनमें से सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कौन सी टीम का है और आपको क्या लगता है आईपीएल 2021 का खिताब इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीत पाएगी या फिर कोई और टीम जीतेगी, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते। तो दोस्तों धमाकेदार आगाज आईपीएल 2021 फेज 2 का यूएई में स्टार्ट हो जाएगा। वही पहला जो मुकाबला खेला जाने वाला है चेन्नई सुपर किंग बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाएगा। तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड आईपीएल फेज 2 के लिए और आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतर है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।